अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10वीं में हिंदी में आज हम बात करेंगे पदबंद की। हमारा जो व्याकरण का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहला पार्ट ये पदबंद है, और पदबंद जिसे इंग्लिश में फ्रेज कहा जाता है। फ्रेज यानी एक तरह से इसे वाक्यांश भी कहा जाता है, एक वाक्य का शुरुआत। तो आइए पदबंद को समझने से पहले हम समझेंगे पद क्या है, और पद को भी समझने से पहले जरूरी है कि हम समझे शब्द क्या है। तो शब्द क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कक्षा 9वीं में हम पढ़ चुके हैं, शब्द यानी वर्णों का सार्थक समूह। इसके अंदर दो बातें हैं। एक तो ये समूह होता है वर्णों का, यानी लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर, ओके, है ना, तो ग्रुप ऑफ लेटर। दूसरा है यहाँ सार्थक यानी मीनिंगफुल। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स इन मीनिंगफुल ऑर्डर इज कॉल्ड वर्ड, यानी वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। इसे ये उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करें तो हमने तीन वर्ण लिए हैं, क, म और ल। तो कमल ये क्या हुआ, वर्णों का समूह हुआ और सार्थक समूह है। कमल बोलते ही हमें समझ में आता है कि कमल नाम के फूल की बात होती है, ठीक है, तो ये शब्द है। दूसरा, ये तीनों वर्ण से हमने दूसरा शब्द बनाया जो है कलम। तो कलम बोलते ही हमें मेरे दिमाग में वो पैर का चित्र खड़ा होता है। तो ये मीनिंगफुल है और क्या है, वर्णों का समूह है, ये भी शब्द है। लेकिन मैंने यहाँ ल क म लिखा है, इसके साथ में क्रॉस किया है, गलत है, क्योंकि ये शब्द नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं है। तो शब्द के लिए जरूरी है कि वर्णों का समूह हो, और दूसरी बात उसमें मीनिंग होना चाहिए, वो सार्थक होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, तो वो शब्द है। दूसरी बात मैंने यहाँ लिखी है स्वतंत्र होने चाहिए। शब्द कैसे हो, जो वाक्य में नहीं प्रयुक्त है, वाक्य से अलग है, तो वो शब्द है। अगर कोई सेंटेंस है, कोई वाक्य है, उसमें आप कहेंगे कि ये शब्द है तो वो शब्द नहीं है, वो पदबंध हो जाता है। तो पदबंध को समझेंगे कि इसको पहले शब्द के उदाहरण देखिए, जिस तरह से हमने कमल लिखा, कलम लिखा, इस तरह से जितने भी उदाहरण है, रवि, घर, पुस्तक, इस तरह से वर्णों का सार्थक समूह शब्द है।